नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत कौर। तो आइए बात कोरोना की। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें 70% मामले केवल केरल से ही सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 46,164 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 34,159 रिकवरी भी हुई है। साथ ही 607 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। वहीं देश के राज्य केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। केरल में कोरोना के नए मामलों की संख्या एक बार फिर से बेकाबू होती नजर आ रही है। बीते दिन 31,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। वहां 31,445 नए केसेस सामने आए हैं। साथ ही 215 मौतें सिर्फ केरला में दर्ज हुई हैं। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 20,271 रही। महाराष्ट्र में भी केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में पॉजिटिव केसेस की संख्या 5,031 रही। वहीं 4,380 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं और साथ ही 216 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। राजधानी दिल्ली में बीते दिन कोरोना वायरस के 65 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 86 लोग ठीक भी हुए हैं और साथ ही एक की मौत दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में 21 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। इस दौरान 28 ने अपनी जान भी गंवा दी। आंध्र प्रदेश में बीते दिन 1601 नए मामले सामने आए हैं। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 1201 रही, जबकि 16 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की लेटेस्ट रिपोर्ट के लिए हमारे साथ देखते रहें HCN न्यूज़। धन्यवाद।